अब बात करते हैं इंदौर की, जहां की पॉलिटिक्स में तड़का लगाने के लिए अब पीएससी कैंडिडेट्स मैदान में उतर आए हैं। प्रदेश भर के स्टूडेंट और उनके परिवारों से अपील कर रहे हैं कि वो नगरीय निकाय चुनाव में वोट नोटा को दें। शिक्षा के रण से चुनावी मैदान में ये अपील करने के लिए कैंडिडेट्स ने भी इंदौर में मैदान संभाल लिया है। मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों से कोई भी भर्ती बिना किसी विवाद के पूरी नहीं हो पाई। एमपीपीएससी और व्यापम की भर्तियां अटकी हुई हैं, जिस पर ना तो सरकार ध्यान दे रही है और ना ही संस्था। कैंडिडेट्स का कहना है कि उन्होंने कोविड जैसी महामारी का दौर देखा है। ऐसी परिस्थिति में आर्थिक और मानसिक समस्या का सामना कर रहे हमारा परिवार हमारी नौकरी का इंतजार कर रहा है। वही उनका आरोप है कि बेवजह हर भर्ती को कोर्ट केस में उलझाकर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार रोजगार की मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके बाद अब उनके पास नगरीय निकाय चुनाव में नोटा का विकल्प बचा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम लापता होने के पोस्टर लग चुके हैं। कैंडिडेट्स की इन समस्याओं के चलते उन्होंने नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन का गठन किया है। कैंडिडेट्स का ये संगठन अपनी मांगों को लेकर पहले भी कई बार इस तरह के अभियान चला चुका है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स ने प्रदेश के दूसरे कैंडिडेट्स और उनके परिवारों से अपील की है कि वो इस बार नगरीय निकाय चुनाव में नोटा पर वोट करें। आपको बता दें कि कैंडिडेट्स ने इन अलग अलग इलाकों में एमपीपीएससी 2019 लापता, बढ़ रही आबादी और बढ़ रहे बेरोजगार हैं, नौकरी की बात पर क्यों मौन है सरकार, भर्ती नहीं तो नोटा सही जैसे स्लोगन चिपकाए हैं। कैंडिडेट्स की जो मांगे हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि 5 सालों में जितनी नौकरियों की घोषणा की गई है उस पर अमल किया जाए। अटकी एमपीपीएससी 2019, 2020 और 2021 और व्यापम की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर तय समय में पूरा किया जाए। उसके साथ ही एमपी में जो बेरोजगारी की समस्या नहीं है उस पर ध्यान दे। चुनावों में युवाओं के रोजगार के मुद्दे भी शामिल किए जाए। इसके साथ ही प्रस्तावित भर्तियां पटवारी, एमपीएसआई आदि की जल्द से जल्द घोषणा की जाए। वहीं ओबीसी केस का जल्द ही समाधान निकाला जाए। सरकार कोर्ट इसे अर्जेंट हियरिंग में शामिल करे ताकि आयोग को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की दिशा साफ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।